हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाला हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, कोलोनियलिज्म एंड दी मराठास। सो इन द लास्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया। तो इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था इंडियन यूरोपियन कोलोनियलिज्म, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोपियंस ने इंडिया को कैसे कोलोनाइज किया था और इंडिया पर कोलोनियलिज्म की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था। ओके, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने और सारे मराठास ने मिलकर कैसे फॉरेन पावर्स को फाइट बैक किया। ओके, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे इसमें तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कोई स्टोरी ही सुन रहे हैं आप लोग। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बोर्ड्स की बुक है। एकदम अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे, उनके बारे में सबको पता होना चाहिए। ओके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अब तक कोई भी चैप्टर के आगे ये नहीं बोला शुरू करने से पहले, बट इसमें बोल रही हूँ। सो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हैड फोर्सिंग द अल्टीरियर मोटिव ऑफ दिस फॉरनर्स एंड देयर वेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जो फॉरनर्स के जो भी मोटिव था इंडिया में आने का, जो भी उन लोगों का एजेंडा था और वो लोग किस वे में अटैक करते, यानी कि कौन सी टेक्निक्स यूज करते, ये सारी चीज़ें छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऑब्जर्व कर ली थी फॉरनर्स की। ओके, ही बिल्ड अप स्ट्रेटेजीज टू अरेस्ट देयर एडवांसमेंट इन इंडिया। और देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चल गया था कि ये लोग के पास कितना एडवांस टेक्निक्स है और ये लोग कैसे कैसे वॉर करते, कैसे किसी को भी अटैक करते। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्ट्रेटेजीज बनाने लगे, स्ट्रेटेजीज यानी कि प्लान करने लगे कि ये लोगों को कैसे रोकना है, इंडिया में ये लोगों का एडवांसमेंट एकदम खत्म करना है। और इस चीज़ पर वो लोग क्या कर रहे थे, पूरा प्लानिंग कर रहे थे मराठास। द इमीजिएट मेजर टेकन बाय हिम इन दिस डायरेक्शन इंक्लूडेड क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सी फोर्ट्स। और देखो, जब उन लोगों को, जब मराठास को एक बार पता चल गया कि ये पोर्चुगीज वाले या कोई भी फॉरेनर हो, या वो फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो, ब्रिटिशर्स हो, ये लोग क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, ये लोगों के क्या क्या एडवांसमेंट्स है, और जब इन लोगों को पता चल गया तो इन लोगों ने बिना किसी डिले के फटाफट से क्या किया, अपना नेवल फोर्स और स्ट्रांग करने के पीछे लग गए कि अब हमको क्या चाहिए, हमारा मैन पावर बढ़ाना है और नेवल फोर्स एकदम स्ट्रांग करने लगे और सी फोर्ट्स बनाने लगे, यानी कि सी के बीचों बीच क्या फोर्ट्स रहेगा और उससे अटैक करते थे किसी को भी, और कोई अटैक करते उसमें प्रोटेक्ट रहते थे। ओके, सो ही लीव इट ऑक्रॉय ऑन ब्रिटिश सॉल्ट ट्रेड एज अ मेजर टू प्रोटेक्ट लोकल सॉल्ट ट्रेड। तो देखो, अब मराठास ने क्या किया, मराठास स्पेशली, मैं जब मराठा बोलूँगी तो आप लोग समझो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, क्योंकि उनके बारे में ये चैप्टर, वो ही किंग थे उस टाइम के, वो ही लीडर थे। सो छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या करे कि उन्होंने ऑक्रॉय क्या होता है कि टैक्स होता है, ठीक है। तो जब ब्रिटिश का सॉल्ट का ट्रेड था उस पर क्या बोल दिया कि अब तुमको ऐसे ही नहीं हम ट्रेड करने देंगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तुम जब भी सॉल्ट का ट्रेड करोगे तो तुमको इंडिया में, जब भी तुम सॉल्ट का ट्रेड करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा कि इनको टैक्स पे करना पड़ेगा तो इनको थोड़ी रुकावट आएगी इनके ट्रेड में, ओके, और वो लोग थोड़ा सा तो पीछे होंगे। ओके, सो दस छत्रपति शिवाजी महाराज अडॉप्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अगेंस्ट द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। ओके, और इसीलिए ये सारी स्ट्रेटेजीज थी और छत्रपति शिवाजी महाराज और सारे मराठास मिलकर एक साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बना रहे थे कि ये यूरोपियंस को कैसे हराना है। ओके, लेटर छत्रपति शिवाजी लेटर छत्रपति संभाजी महाराज ऑल्सो फ्राइसली फाउट द पोर्चुगीज, चिंपाजी ब्रदर ऑफ पेशवा वन डिफीटेड द पोर्चुगीज एट वसई। तो देखो, छत्रपति संभाजी महाराज जो थे उन्होंने बहुत ही ब्रेवली पोर्चुगीज से फाइट किया, और चिंपाजी अप्पा ने, चिंपाजी अप्पा कौन थे, बाजीराव पेशवा फर्स्ट जो थे उनके ब्रदर थे ये, ठीक है, याद रखो, बाजीराव पेशवा वन के ब्रदर कौन थे, चिंपाजी, और उन्होंने पोर्चुगीज वालों को वसई में हरा दिया था। द मराठास वर द ओनली इंडियन रूलर्स टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। तो देखो, सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में मराठास ही थे जिन्होंने इतनी हिम्मत की थी, जिन्होंने इतनी जुर्रत की थी कि अब हम क्या करेंगे, पोर्चुगीज से फाइट बैक करेंगे, उनको इधर से निकालेंगे, ये हमारा नेशन है, ये हमारा मदरलैंड है, और अब हमको इनसे, इनको भगाना है यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ अब तक किसने किया था, मराठास ने ही किया था, इसके पहले किसी ने भी नहीं किया था, सब लोग जैसे जी रहे जिए जा रहे थे, बट मराठास ने एक एक्शन लिया था। नाउ 4.1 कोलोनियलिज्म वर्सेस द मराठा एम्पायर, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, ऑल ऑफ देम केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। तो देखो, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच या ब्रिटिश, ये सारे इंडिया में कैसे आए थे, एज अ ट्रेडर्स आए थे, मतलब कि इन लोगों ने हम लोगों को कैसे लगने दिया कि हम लोग क्या करने आए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए, लेकिन क्या ऐसा ही था, नहीं।
However, they did not stop at that. In the course of time, they also grabbed the political power. तो देखो उन लोगों ने अपना ट्रेड तो बहुत अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर ही लिया था, लेकिन उसके बाद क्या वो लोग वहाँ पे रुक गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ने क्या किया कि पॉलिटिकल पावर जो थी वो भी पूरी तरह से ग्रैब कर लिया, यानी कि पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया पॉलिटिकल पावर पे भी। हर जगह किसका रूल था? बस यूरोपियंस का ही रूल था। इट इज ऑफन सेड दैट दे केम टू इंडिया विद वेटिंग स्किल्स बट यूज स्वॉर्ड्स एंड अल्टीमेटली सीज द इंडियन थ्रोन। तो ऐसा कहा जाता है कि जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे तो उन लोगों ने क्या लेकर आए थे? वेटिंग स्किल्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रेडर्स आए थे। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या किया कि स्वॉर्ड्स यानी कि वेपनों के वेपन यूज किए, अपने हथियार यूज किए और इंडिया को पूरी तरह से सीज कर लिया। सीज यानी कि इंडिया को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। ओके, पोर्चुगीज ही फर्स्ट थे जो इंडिया में आए थे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ओके, चैप्टर नंबर 3 में, कि सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे, वास्को द गामा आया था। ओके, दे वर मेंशनड एज फिरंगीज इन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑन दैट पीरियड। द रीजन अंडर पोर्चुगीज रूल वर मेंशन एज फिरंगन। ओके, सो देखो जब पोर्चुगीज आए थे इंडिया में तो हम लोगों ने उन लोगों को क्या बुलाने लगे? इंडियंस, फिरंगी। ओके, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो ऐसे वो सिर्फ बुलाते नहीं थे, बल्कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है हमारा उस पर भी पोर्चुगीज वालों को कैसे मेंशन किया है? फिरंगीज बोलकर। ओके, और जो भी रीजन्स पोर्चुगीज वालों के अंडर था, ठीक है, उसे क्या बोलते थे? फिरंगन। ओके, नाउ 4.1.1 पोर्चुगीज एंड मराठा एम्पायर। द पोर्चुगीज हैड देयर फोर्ट। नाउ 4.1.1 पोर्चुगीज एंड मराठा एम्पायर। द पोर्चुगीज हैड देयर फोर्ट एट दीव, दमन, संजन, अतुरी, वसई, करंजा, चौल एटसेट्रा। ठीक है, तो पोर्चुगीज वाले का फोर्ट्स कहाँ कहाँ पर था? दीव में था, दमन में था, संजन में था, अतुरी में था, वसई में था और करंजा में था और चौल में था, और भी काफ़ी सारी जगह था। ओके, और ये जो सारे फोर्ट्स थे इनकी वजह से जो बर्देश था, बर्देश क्या है? बर्देश देखो गोवा में है। ओके, नॉर्थ रीजन है गोवा का। ओके, सो जो बर्देश था वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था। और ये पोर्चुगीज अपना जो भी सारा एम्यूनेशन होता है, एम्यूनेशन मतलब क्या होता है? देखो जो भी वॉर में यूज होती है चीज़ें, जैसे कि बुलेट्स, फायरी वेपन्स, ओके, और न्यूक्लियर बॉम्ब, सारे गोला पारूद, ये सारी जो चीज़ें होती है इसे क्या बोलते हैं? एम्यूनेशन। तो पोर्चुगीज अपना सारा एम्यूनेशन कहाँ स्टोर करते थे? कहाँ रखते थे? पनवेल में रखते थे। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट केम इन कॉन्टेक्ट विद द पोर्चुगीज व्हेन ही एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ऑन कल्याण एंड भिवंडी। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे पहले कांटेक्ट किस में हुआ था? यूरोपियंस में से। सबसे पहले वो पोर्चुगीज वालों से मिले थे। ओके, देखो पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया में भी आए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज से सबसे पहले मिले भी थे। ओके, कब मिले थे? जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना कंट्रोल कहाँ पर कर लिए थे? कल्याण और भिवंडी किसके अंडर में था? छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में था। और तभी पोर्चुगीज और छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराज का मीटअप भी हुआ था। ओके, द पोर्चुगीज वर अलार्म व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग मराठा नेवी। तो देखो जब स्ट्रॉन्ग मराठा नेवी बन रही थी तो पोर्चुगीज वालों को ऐसे पता चल गया था कि ओके ओके आई सी, अब उन लोगों को ऐसा होगा कि हम लोगों को अब क्या रहना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा हम लोगों को और चौकन्ना होना पड़ेगा। सून द पोर्चुगीज वर ब्रॉट टू अ पॉइंट ऑफ डिस्पेयर बाय द मराठा। लेकिन इतना पता चल गया था पोर्चुगीज को, लेकिन फिर भी मराठा इतने पावरफुल थे कि बहुत ही जल्दी, यू नो, बहुत ही जल्दी क्या किया मराठास ने? पोर्चुगीज का बहुत बुरा हाल कर दिया, उनको बहुत ही बुरे कंडीशन में डाल दिया, उनको मतलब बहुत ही बुरी तरह से हरा रहे थे वो लोग, कुछ ना कुछ करे ही जा रहे थे पोर्चुगीज के अगेंस्ट। इन फैक्ट इन द बिगनिंग द पोर्चुगीज हैड एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजिकल हेल्प फॉर शिप बिल्डिंग टू द मराठास। और शुरू में तो ये भी हुआ था कि क्या हुआ था कि पोर्चुगीज ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दुश्मन को ही दोस्त बना लेते हैं और हम लोग मराठा की हेल्प कर देते हैं और हम लोग की भी वो हेल्प करेगा बदले में, है ना, कि हम लोग ने इसको दोस्त बनाया, ये भी हमको दोस्त बनाएगा और हम लोग एक साथ आ जाएंगे, फिर हमको कुछ नुकसान ही नहीं कर सकता है मराठा। और उन लोगों ने ऐसा सोचा और उन लोगों ने क्या किया कि शिप बिल्डिंग में टेक्नोलॉजिकली हेल्प करी थी मराठा की। हाउएवर द पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ गोवा विड्रॉ दिस हेल्प। तो देखो पहले तो मराठास को पोर्चुगीज हेल्प कर रहे थे शिप बिल्डिंग में, ओके, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो गवर्नर था गोवा का उसने क्या बोल दिया कि नहीं हमको किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करनी है मराठास को, और उन लोग वहीं पे रुक गए। ठीक है, शुरू में की थी मदद शिप बिल्डिंग के लिए, लेकिन बाद में नहीं की थी, थोड़े समय के बाद उन लोग बोले कि हम लोग को ऐसे कुछ नहीं करना है। द पोर्चुगीज नाउ प्रॉम्प्टली प्रोवाइडेड हेल्प टू सी दिस व्हेन द मराठा आर्मी वॉज ऑर्गेनाइजिंग एन अटैक ऑन द जंजीरा फोर्ट अगेंस्ट देम।
तो अब देखो पोर्चुगीज ने क्या सोचा कि अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। तब उन लोगों ने यही सोचा कि मराठास की सिद्धिस से भी सही नहीं है रिलेशन और हमसे भी सही नहीं है, तो हम अब क्या करते हैं, सिद्धिस और पोर्चुगीज साथ आ जाते हैं और कैसे क्या करेंगे, मराठास से मिलकर फाइट बैक करेंगे। और इसीलिए क्या किया कि जब मराठास जंजीरा फोर्ट पे अटैक करने वाला था सिद्धिस को, तो क्या किया, फौरन बिना सोचे समझे क्या किया, फौरन इमीडिएटली पोर्चुगीज ने सिद्धिस को हेल्प किया कि हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं भाई, ठीक है। बोथ द पोर्चुगीज एंड द मराठास इन द मैटर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन अडॉप्टेड पॉलिसीज टू सूट द सिचुएशन। अब देखो पोर्चुगीज भी और मराठास भी, इन लोगों के इतने लड़ाई हो रही थी, इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे आपस में, तो अब इन लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया, पोर्चुगीज ने सोचा कि अगर हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई, कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं किया, तो हम पे क्या कर देगा, मराठास अटैक कर देंगे और हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इन द अदर हैंड सेम मराठास ने भी क्या सोचा कि अगर हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएंगे तो हम लोग को पोर्चुगीज अटैक कर देगा। इसीलिए अब सिचुएशन के हिसाब से उन लोग दोनों ने क्या करने लगे, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान करने लगे। In 1665, the Portuguese valued the 13 ships of the Marathas while it was passing by the ports of the Karnataka coast. तो देखो 1665 में पोर्चुगीज ने क्या किया था कि जब कर्नाटका कोस्ट से मराठास की 13 ships जा रही थी, तो उसको रोक दिया था कि नहीं, हम तुमको पास नहीं होने देंगे यहाँ से। However, they soon released those ships as they were scared of the powerful Maratha navy. ठीक है, तो उन लोगों ने रोका तो था, लेकिन बाद में उन लोगों को ऐसा था कि इन लोग की इतनी स्ट्रांग है नेवी, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती से पंगा नहीं लेते हैं, ओके, ज़बरदस्ती से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते और इन लोगों को मराठास को जाने देते हैं। और उन लोगों ने बहुत ही जल्दी छोड़ भी दिया था शिप्स को कि ठीक है जाओ तुम लोग। इन 1666 वाइल द फोर्ट ऑफ फोंडा रूल्ड बाय आदिल शाह वॉज अंडर सीज बाय मराठास, द पोर्चुगीज सप्लाई एम्यूनेशन टू द आदिल शाही किलेदार। ओके, तो जब 1666 में फोर्ट ऑफ फोंडा जो था वो किसका था, आदिल शाह का था, और उसको मराठास ने सीज कर लिया था, सीज यानी कि घेराबंदी कर दी थी वहाँ पर, ओके, तो पोर्चुगीज ने क्या किया, एम्यूनेशन यानी कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो भी वॉर में यूज़ होता है, बुलेट्स, फायरी वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पोर्चुगीज ने क्या किया, आदिल शाह को सीक्रेटली भेजा था, ओके, बिना ऐसे बोल रहा था कि हमको मराठास से अच्छे रिलेशन रखने, लेकिन पीछे से क्या कर रहा है कि जो मराठा इसका कॉम्पिटिटर है उसको भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि तुम लोग मराठा को हराओ और इन लोगों को रास्ते से साइड करो, ओके। ऑन द अदर हैंड दे लेट छत्रपति शिवाजी महाराज क्रॉस थ्रू देयर टेरिटरी व्हेन ही वाज रिटर्निंग आफ्टर द सैक ऑफ सूरत। व्हेन मिर्जा राजे जयसिंह हैड अटैक्ड स्वराज, द पोर्चुगीज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मराठास। तो देखो पोर्चुगीज सीक्रेटली क्या कर रहे हैं कि जो भी मराठास के एनिमीज है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि क्या हो जाए, वो लोग उनके एनिमीज और पावरफुल हो जाए मराठास के, और वो लोग आपस में उलझे रहे, यानी कि जो एनिमीज है और छत्रपति शिवाजी है उन लोगों की बैटल्स चलते ही रहे और वो लोग पोर्चुगीज तक मराठा पहुँच ही ना पाए, ऐसे सोच रहे हैं वो लोग। लेकिन उन लोग साथ में ये भी कर रहे हैं ऑन दी अदर हैंड कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो सैक ऑफ सूरत यानी कि बैटल ऑफ सूरत, ठीक है, ये बैटल इसलिए हुई थी, एक लैंड के लिए हुई थी, ओके। सो जब ये लड़कर आ रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उन लोगों ने अपनी टेरिटरी से छत्रपति शिवाजी महाराज को जाने दिया कि हाँ ठीक है तुम ये रास्ता क्रॉस करके, हमारा लैंड क्रॉस करके जा सकते हो। और जब मिर्जा राजा जयसिंह ने अटैक किया था स्वराज यानी कि मराठा एम्पायर, ओके, सो जब मराठा एम्पायर पे राजे जयसिंह ने अटैक किया था, तो भी पोर्चुगीज ने क्या किया था, मराठा इसको सपोर्ट किया था। देखो मतलब कि उन लोग क्या कर रहे हैं, सब जगह से अच्छे बन रहे हैं, हर किसी के गुड बुक्स में आ रहे हैं कि आदिल शाह को भी उन लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर मराठास को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर आदिल शाह को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मराठास क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो मराठास के फ्रेंड्स हैं, हम लोग तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, ऐसे उन लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट दाबोल बाय ऑब्टेनिंग अ सैंक्शन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। तो पोर्चुगीज ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी दाबुल में, और उन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज से परमिशन लिया था, एंड देन जब उनको ऑर्डर मिल गया बनाने का, तो ही उन लोगों ने बनाया था, ओके, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के परमिशन से बना था दाबुल, ओके। एट द सेम टाइम द लोकल पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज लॉ विच वर फेवरेबल फॉर द रिलीजियस कन्वर्जन, ओके। और देखो जो लोकल पीपल थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे, क्योंकि उन लोगों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, ओके। Therefore, in 1667, Chhatrapati Shivaji Maharaj decided to attack the region of Vardesh. People of Vardesh welcomed Chhatrapati Shivaji Maharaj wholeheartedly. और देखो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे लोग, बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे, और इसीलिए 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या डिसाइड किया कि मैं वर्देश पे अटैक कर दूंगा, ओके, सब मराठा
नेवी को साथ लेकर उन लोगों ने बहुत ही ब्रेवली अटैक किया बर्देश को, और जो बर्देश के लोग थे उन लोगों ने पूरे दिल से छत्रपति शिवाजी महाराज को वेलकम किया, क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक एज अ हीरो बनकर आए थे. ओके, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, अब छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए थे तो उन लोगों को एक होप मिला था कि अब सब ठीक हो जाएगा. इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खुशी से और बहुत ही पूरे दिल से छत्रपति शिवाजी महाराज का वेलकम किया था बर्देश में. ओके, अगेन व्हेन द रीजन ऑफ दंडाराजपुरी अंडर द सिद्धि रूल वॉज अंडर मराठाज, द पोर्चुगीज सप्लाइड वॉर प्रोविजंस एंड एम्यूनिशन टू द सिद्धिज. अब देखो, पहले जब जंजीरा फोर्ट पे सीज किया था मराठास ने, देखो सीज मतलब क्या होता है, घेराबंदी. ओके, तो जंजीरा फोर्ट पे किसके पास था, सिद्धीज के पास था, और मराठास ने उसको घेरा था. तो भी क्या कर रहा था पोर्चुगीज, उन लोगों को सीक्रेटली क्या कर रहा था, एम्यूनेशन भेज रहा था. ठीक है, अब आप लोगों को याद होना चाहिए एम्यूनेशन मतलब, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ. ओके, सो जब भी उस टाइम पे भी घेराबंदी हुई थी मराठास के द्वारा सिद्धीज पर, तो क्या कर रहा था पोर्चुगीज, उनको एम्यूनेशन भेज रहा था. ठीक है, बुलेट्स वगैरह सारी चीज़ सप्लाई कर रहा था. ओके, लेकिन अब जब दोबारा से ये हुआ और मराठास ने अब कहाँ पे घेराबंदी की थी, दंडाराजपुरी में. ठीक है, ये रायगढ़ में. ओके, और देखो जंजीरा फोर्ट भी रायगढ़ में और ये दंडाराजपुरी भी कहाँ, रायगढ़ में. ओके, तो इस टाइम पे भी क्या कर रहा था पोर्चुगीज, उन लोगों को सप्लाई कर रहा था सिद्धीज को एम्यूनेशन. ओके, ड्यूरिंग द आदिल शाह सुल्तान वर्सेस मराठा कॉन्फ्लिक्ट द पोर्चुगीज वाइल एक्टिंग न्यूट्रल वर सरस्पेंटियसली हेल्पिंग आदिल शाह. तो देखो पोर्चुगीज तो सिद्धीज को सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन जब आदिल शाह वर्सेस मराठा हो रहा था, ओके, ये दोनों की बैटल चल रही थी आदिल शाह और मराठास की, तो पोर्चुगीज बोल रहा था कि मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाहर हूँ. लेकिन सीक्रेटली वो क्या कर रहा था, आदिल शाह को हेल्प कर रहा था. प्रायर टू दैट गंसोलो मर्टेज द पोर्चुगीज एमिसरी हैड मेट छत्रपति शिवाजी महाराज. तो देखो इतना सब तो ये कर रहे हैं पोर्चुगीज वाले, उसके बावजूद भी गंसोलो मर्टेज जो था वो कौन था, पोर्चुगीज का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने क्या किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज से वो मिलने आया था. और दोनों यानी कि कौन, मराठास ने और पोर्चुगीज ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अब से अवॉइड करेंगे जो भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगी हमारे बीच. ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज विथ एन इंटेंशन ऑफ अपरूटिंग द पोर्चुगीज रूल स्टार्ट सेंडिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हिज मैन टू गोवा. देखो इन लोग सोच रहे थे कि क्या कर रहे हैं, हम लोग मराठास के साथ गेम खेल रहे हैं, पोर्चुगीज सोच रहे थे, लेकिन नहीं, मराठास ही उनके साथ गेम खेल रहे हैं. मराठास को तो सब पता है, लेकिन वो लोग कैसी एक्टिंग कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है, जैसे तुम बोलो वही सही है, पोर्चुगीज ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मराठास को सब पता था. मराठास भी क्या कर रहे थे, हाँ ठीक है हम लोग अब कोई फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा इंटेंशन था उनका और पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि ये पोर्चुगीज को अपरूटिंग यानी कि एकदम जड़ से कैसे हटा दे, ये सारी चीज़ों पे प्लानिंग हो रही थी. और ऑन दी अदर हैंड दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है, मतलब दिखाने के दोस्त हैं, फेक फ्रेंड्स हम लोग बहुत यूज़ करते हैं टर्म आजकल, फेक फ्रेंड्स. सो या देवर फेक फ्रेंड्स. सो छत्रपति शिवाजी महाराज इस इंटेंशन से थे कि हम लोगों को क्या करना है, पोर्चुगीज को टोटली यहाँ से भगा देना है. और इसीलिए क्या करा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उन्होंने क्या करने लगे, वो अपने स्मॉल ग्रुप्स में अपने मैन भेजने लगे, अपने आदमी भेजने लगे, अपने नेवी गोवा में भेजने लगे. इट वॉज डिसाइडेड दैट वंस देयर नंबर वॉज इनफ इन गोवा दे शुड स्ट्राइक अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पोर्चुगीज रूल. और उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि थोड़े थोड़े करके लोग जाते हैं गोवा में, और एक बार जब अच्छे खासे लोग हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्चुगीज के अगेंस्ट क्या करेंगे, एक्शन लेंगे और उन पर अटैक कर देंगे. सो द पोर्चुगीज वॉइस रॉयल समहाउ बिकम अवेयर ऑफ द प्लान, हैंस द प्लान फेल्ड. तो लेकिन इतना अच्छा प्लान था, लेकिन क्या हुआ, पोर्चुगीज का जो वॉइस रॉय था उसको कैसे ना कैसे ये पता चल गया, और ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब इस पर कुछ वर्क नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रह गई. अ ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन द पोर्चुगीज एंड द मराठास ऑन 10 February 1617. एक ट्रीटी साइन हुई थी मराठास, ट्रीटी यानी कि एग्रीमेंट. ओके, सो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मराठास और पोर्चुगीज के बीच में, कब हुआ था, 10 February 1670 को. द फॉलोइंग कंडीशन वर अग्री अपॉन. ओके, सो क्या था ये, इसमें देखो इन दोनों ने, दोनों पार्टीज ने यानी कि पोर्चुगीज ने और मराठास ने इस चीज़ पे अग्री किया था, इफ आइदर ऑफ देम प्लंडर द अदर शिप देन द विक्टिम पार्टी शुड बी प्रॉपरली कंसम्पेटेड. ओके, तो ये देखो इस एग्रीमेंट में फर्स्ट थिंग ये थी कि अगर पोर्चुगीज ने मराठास का या फिर मराठास ने पोर्चुगीज का शिप डिस्ट्रॉय किया, प्लंडर यानी होता है डिस्ट्रॉय. ओके, तो अगर इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का शिप को डिस्ट्रॉय किया, तो जो भी विक्टिम पार्टी होगी, ठीक है, जिसका भी किया गया होगा डिस्ट्रॉय, उसको पैसा पे करना पड़ेगा. ओके, मतलब
अदर पार्टी को जिसने डिस्ट्रॉय किया उसको विक्टिम पार्टी को क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। ऑल दोज कंसेशंस गिवन टू द मुगल शिप्स इन ट्रांसिट शुड बी ऑल्सो गिवन टू द मराठा शिप्स। और देखो ट्रांसिट यानी कि उस कोस्ट से गुजरने के जब नदी किससे जाते थे शिप लेकर, तो एक थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता था, थोड़े से पैसे देने पड़ते थे जो मुगल्स को। अब वो किसको देंगे, पोर्चुगीज, वो भी किसको देंगे, मराठास को देंगे। नो हेल्प टू बी एक्सटेंडेड टू द सिद्दीज अगेंस्ट द मराठा एंड नॉट टू बिल्ड फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ रामनगर प्रेजेंटली अ विलेज इन अ गौहर तहसील थाने। ओके, और थर्ड जो थी चीज वो क्या थी कि जो भी मराठास की कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सिद्दीज से उसमें पोर्चुगीज सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, सिद्दीज को, और फोर्ट नहीं बनेगा रामगढ़ टेरिटरी में। ओके, जो कहाँ है आज, थाने में है। ओके, जवाहर तहसील थाने में। ओके, देयर वॉज अ डिस्प्यूट अबाउट द इशूइंग ऑफ कलेक्टिंग चौथाई बिटवीन द पोर्चुगीज एंड द मराठास विच रिमेन्ड अनसर्व टिल द डेट। तो देखो एक चीज़ को लेकर बहुत ही आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ठीक है, डिस्प्यूट यानी कि बहुत ही आर्ग्यूमेंट हो रहा था और डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे पोर्चुगीज और मराठास की। वो चीज़ क्या थी, चौथाई। चौथाई क्या होता है, देखो 1/4 ऑफ द टोटल इनकम। ओके, जो टोटल इनकम होता है उसका 1/4 पार्ट यानी कि 25% जो था टैक्स का वो किसके अंडर में जाता, इस चीज़ पर पोर्चुगीज और मराठास की आर्ग्यूमेंट हो रही थी। टू रिजॉल्व द इशू छत्रपति शिवाजी महाराज हैड अपॉइंटेड पीतम्बर सेनावी एंड जीवाजी सेनाति एज मेडिटेटर्स। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो चौथाई का इशू था इस पे कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे मराठास और पोर्चुगीज, क्योंकि सहमति नहीं हो रही थी उन लोगों की। ओके, तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किए थे कि उन लोगों ने दो लोगों को अपॉइंट किया था। क्या नाम था उनका, फर्स्ट जो थे उनका नाम था पीतम्बर सेनावी और दूसरे जो थे उनका था जीवाजी सेनावी। ओके, एज अ मेडिटेटर्स, मतलब कि तुम लोग न्यूट्रल रहो और डिसीजन लो, मतलब किसी के भी साइड नहीं, बीच के जो होंगे ये लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है इसका। ओके, हाउएवर दे वर नॉट मच सक्सेसफुल इन देयर नेगोशिएशन, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी अपॉइंट कर लिया महाराज ने। ओके, बट उसके बाद भी ये जो डिसीजन था इन लोगों का चौथाई को लेके, इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया और वो लोग भी अपने नेगोशिएशन यानी कि अपने इस आर्ग्यूमेंट को अनरिजॉल्व ही रखे और इसमें कोई सक्सेस नहीं मिल पाई, मतलब कि एक फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया इन लोगों का। ओके, In 1679, the Portuguese secretly helped the British in their conflict with the Marathas for Kanderi Underi Island. तो देखो पहले तो एग्रीमेंट क्या हुआ था, ट्रीटी साइन किया था पोर्चुगीज ने कि हम लोग किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे जो भी मराठास के एनिमीज हो गए अगर उन लोगों की बैटल चल रही है। लेकिन 1679 में पोर्चुगीज ने सीक्रेटली किसको हेल्प किया, ब्रिटिशर्स को हेल्प किया। ओके, ब्रिटिशर्स को हेल्प किया जब उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, किस चीज़ के लिए, खंडेरी उंडेरी आइलैंड का नाम है। ओके, सो इस आइलैंड के लिए जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मराठास एंड ब्रिटिशर्स का, तो पोर्चुगीज ने उन लोगों को सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। ओके, तो यानी कि उसके खिलाफ गया, वो ट्रीटी उसने साइन किया था बट उसको उसने क्या किया, तोड़ दिया था ट्रीटी को। ओके, सो अब इतना हम लोगों ने आइलैंड तक का पढ़ लिया, अब इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक यार कुछ नहीं जाता है। ओके, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।